हमें आता है रस में उल्फत निभाना, हमें आता है रस में उल्फत निभाना, दिल की दुआएं तुम तक पहुंचाना। To present a formal welcome address to me, I invite Shri Anjani Kumar Singh. साल डेढ़ साल में हमारे यहाँ पे वो आ जाएगा। दूसरा है
प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग जागरूक करेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। होता जिसे हमारे कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम नामक कार्यक्रम की पहल की है, जिसे इस साल 11 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस दौरान जीवाश्म ईंधन के संरक्षण की आवश्यकता और ईंधन दक्षता बढ़ाने के तरीके के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई गतिविधियां शुरू की जाएगी। इस जन आंदोलन में आपकी भागीदारी से हमें सक्षम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जय हिंद। इनो ऑयल कंपनी से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर श्री अंजनी कुमार जी और ऑयल कंपनी से वाबस्ता सभी वरिष्ठ अधिकारीगण आज जो सभागार में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हमें भी यहाँ पर मौका मिला और ताकि हम लोग आपसे मुखातिब हो सकें और इस मिशन का सक्षम कार्यक्रम का जो मकसद है उसके बारे में अभी यहाँ पर चर्चा हुई। अच्छा लगा कि हम भी उसका भाग बने हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी श्रृंखला में मनाई जा रही है 75 हफ्तों की, उसकी श्रृंखला के तहत ही इस कार्यक्रम का जो थीम रखा गया है, जैसे कि कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। आज आवश्यकता है कि हम लोग ऐसी ग्रीनर टेक्नोलॉजीज का, कंजर्वेशन का, ऑयल कंजर्वेशन का, सभी जितनी भी मेथडोलॉजी है उसको अपनी रोज़मर्रा के जीवन में उसको अपना भाग बनाएं, ताकि फ्यूल एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ हम लोग पर्यावरण का भी जो बचाव है वो कर सकें। और क्योंकि ये दोनों जो हमारे पर्पस हैं, दोनों जो गोल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने आदरणीय मंत्री महोदय का मैसेज भी पढ़ा कि इस पखवाड़े में किस प्रकार से गतिविधियाँ की जानी हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपने, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, उन सब के साथ आपने आगे आने वाले 15-20 दिनों में कुछ ना कुछ गतिविधियाँ प्लान की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कैच द यंग का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, मैं भी आप लोगों से खासतौर पर अनुरोध करूँगा कि स्कूली बच्चे और कॉलेजेस में ज़रूर ये डिबेट, सिम्पोजियम्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, इन सब का आयोजन किया जाए, क्योंकि वहीं से ही हम लोग, मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को और भावी हमारे सिटीजन्स को अच्छे तरीके से सेंसिटाइज कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में और क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को उपयोग करने के लिए। ये भी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जैसे CGD नेटवर्क की आपने बात की, आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की, आपने बात की कि सभी हमारे रिटेल आउटलेट्स पर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स जो वो बनाए जाएंगे। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से प्रथम चरण में जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसेस जम्मू शहर में और 100 इलेक्ट्रिक बसेस कश्मीर में, उसके लिए ऑलरेडी द बिडिंग प्रोसेस इज ऑन और बहुत जल्द जो है 100 ईच इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो हमें यहाँ पर सड़कों पर चलते हुए दिखेगी। उसके बाद इसको फेजिंग किया जाएगा अन्य छोटे बड़े शहरों में, ताकि हम लोग एक ग्रेजुअल शिफ्ट ले सकें फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स दीज मीन्स। वैसे ही जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो भी जो है, दैट इज ऑल्सो ऑनकमिंग, तो ये सभी जो मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज का ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है, उससे ये सभी, दिस इज ऑल अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनर इन्वायरमेंट एंड ग्रीन फ्यूल एंड
ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अभी पीछे ही हमने देखा किस प्रकार से हमारे ऑनरेबल केंद्रीय मंत्री सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कैसे एक हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल में जाकर जो है वो उन्होंने अपनी यात्रा की, तो वो एक संदेश देने के लिए था दैट द फ्यूचर लाइज इन दीज टेक्नोलॉजीज एंड द मोर क्विकली वी अडॉप्ट टू दीज न्यूअर टेक्नोलॉजीज इट विल बी बेटर नॉट ओनली फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो एनर्जी इकोनॉमिक्स की। जैसे बात की, जैसे अभी कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया कि एनर्जी सेक्टर दिस इज अ बिग इकोनॉमी और इसमें किस प्रकार से जो है आज जो वर्ल्ड पॉलिसीज हैं और आप अपना महत्व, सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं आप अपना महत्व सिर्फ इसी से ही समझ सकते हैं दैट टुडे इज द वर्ल्ड ऑर्डर, द वर्ल्ड पॉलिटी, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड एनर्जी सेक्टर। एनर्जी के पीछे ही आज बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, जियो पोलिटिकल डिसीजंस हैं, मल्टीलेटरल डिसीजंस जो हैं, मल्टीलेटरल एसोसिएशंस हैं, वो आज एनर्जी सेक्टर को ही केंद्र बिंदु मानकर बताई जाती हैं। तो उसी से ही महत्व आज की इस गैदरिंग का समझा जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन ट्रेडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स, उसके लिए ही ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर एक IEC कैंपेन व्हीकल का भी जो है वो अनावरण किया गया और मुझे लगता है जगह जगह पर जाकर उसके द्वारा भी मैसेजिंग की जाएगी किस प्रकार से हम लोग बेहतर तरीके से इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, कंजर्वेशन करें। और ऑलरेडी भी आप लोग ये फोर्टनाइट मनाते रहे हैं बट जिस प्रकार से आपके फोकस बढ़ा है इसके पीछे, और जैसे कि बात हुई कि कैसे हम लोगों को अपना इम्पोर्ट बिल भी रिड्यूस करना है, और वैसे ही आपने इसमें एक सस्टेनेबिलिटी लानी है एनर्जी सेक्टर में और एनर्जी यूसेज को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतनी खूबसूरत ये सभागार में एक गैदरिंग आज यहाँ पर आयोजित की गई, और माफ़ी भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइमिंग हम लोगों को ऊपर नीचे करना पड़ा। आप सभी लोग अपने इस प्रयास में कामयाब रहे और बेहतर तरीके से सभी सिटीजन्स को जागरूक कर सके, सेंसिटाइज कर अक्रॉस द कंट्री, यही मेरा जो है वो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ से मैसेज रहेगा। और आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग जो इस एनर्जी सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से इस मैसेज को सभी सिटीजन्स तक, सभी क्लाइंट देश में। शुक्रिया, थैंक यू। And we had a question, he said. ये देखिए, आज संरक्षण क्षमता मिशन 2022 के तहत आज यहाँ पर इनॉगरल सेरेमनी थी और अगले आने वाले 20 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। ये क्लीन ग्रीन एनर्जी का जो थीम है इस बार सक्षम 2022 का, उसके तहत ही तीनों ऑयल कंपनीज जिसमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम सम्मिलित है, उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर साहब श्री अंजनी कुमार जी मेरे साथ में हैं, इन्हीं के ही सौजन्य से ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। एक IEC वाहन का भी आज यहाँ से जो है वो संचालन किया गया, जो कि जगह जगह पर एनर्जी कंजर्वेशन, पेट्रोलियम फ्यूल कंजर्वेशन का मैसेज देगा और साथ ही में हमारे सिटीजन्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं, आने वाली जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, साथ ही में हमारे जो नए प्रकार के जो फ्यूल हैं उनको इस्तेमाल करने की प्रेरणा सभी सिटीजन्स को दी जाएगी। और ये एक इसमें खास बात ये रहेगी इस पूरे पखवाड़े की कि इसमें स्कूली बच्चों और कॉलेजेस में भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि हमारे यंग सिटीजन्स को सेंसिटाइज किया जाए कि किस प्रकार से ना केवल एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये महत्वपूर्ण है ये पूरा जो सक्षम 2022 का कार्यक्रम, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, इन्वायरमेंटल जो है उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी फ्यूल कंजम्पशन दूर करें, कम करें और उसके साथ साथ ही शिफ्ट करें टुवर्ड्स क्लीनर एंड ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़।
कुछ डेवलपमेंटल वर्क की भी आपने बात की, वो कब तक उनके काम जो कुछ के लग चुके हैं कुछ लगने जा रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आपने? जी देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य चल रहे हैं और इस समय पर जैसा आप जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय की लीडरशिप में सभी महकमे जो हैं अपना अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कई परियोजनाएं जो कई सालों और दशकों से रुकी हुई थी उनमें गति आई है और उनको बहुत जल्द जो है आने वाले समय में मुकम्मल किया जाएगा। थैंक यू। जी सर, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये आज का जो प्रोग्राम था सक्षम 2022, ये प्रोग्राम हम लोग हर साल ऑयल कंपनीज मिलकर के एक साथ मनाती हैं, जिसमें हम समाज के हर वर्ग को, जिसमें स्टूडेंट्स हों, फार्मर्स हों, ड्राइवर्स हों, जो यूथ हैं, जो अदरवाइज एम्प्लॉयड हों, सबको एक मैसेज देने का कोशिश करते हैं कि एनर्जी हमारे लिए कितना क्रिटिकल है। हमारा जो देश है वो दुनिया का तीसरा नंबर का देश है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में, और उसका एक तिहाई हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पूरा करते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ रही है, और इसमें हमारे को ये ज़रूरत है कि हम इसका कंजर्वेशन करें, बिकॉज आज का जो कंजम्पशन है ये कंजम्पशन लोगों को लगता है कि कब तक चलेगा, पर ये आपका 2040 तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंजम्पशन ऐसे ही चलता रहेगा, और हमारे को इसमें फर्दर एनालिसिस, ये आपने थीम देखा होगा, तो इसमें यह है कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारे को शिफ्ट करना है, और 2040 में जो आज का रिक्वायरमेंट एनर्जी का ये डबल होगा, लेकिन हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बास्केट है उसको हमारे को सेम लेवल पर ही रहेगा, ये है। इसके लिए हमारे को प्रयास करना है, और इस प्रयास में हमारे साथ सारे ऑफिसर्स तीनों ऑयल कंपनी के, जब जेएन के यूनिट के हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं जिसमें रिटेल आउटलेट होता है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, ये सब पूरी टीम मिल करके इस कार्यक्रम को हम आगे लेके जाएंगे, जो अभी आज 11 तारीख से शुरू हुआ है और 30 तारीख तक चलेगा अप्रैल के महीने में। सर, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए मैसेज ये है कि आप हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑयल कंजर्वेशन में, जैसे जो हर कोई डीजल, पेट्रोल और एलपीजी, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर में, हर गाड़ी में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कई सारे टिप्स हैं एलपीजी यूज़र के लिए कि आप जैसे फ्रिज से कुछ निकाल के रखते हैं तो पहले थोड़ी देर उसको आइडल छोड़ दीजिए, और वो अगर मान लीजिए फ्रिज में उसकी टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो वो अगर बाहर का टेम्परेचर 20 है तो 4 से 20 तो अपने आप आ जाएगा, और उसके बाद आप हीट करिए, तो इस तरीके से आपका एलपीजी का कंजर्वेशन किया जा सकता है, आपका सिलेंडर ज़्यादा दिन तक चलेगा। वैसे ही है आपके ड्राइविंग हैबिट्स हैं, अगर आप अच्छे तरीके से ड्राइव करेंगे, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक रखेंगे, तो आपका फ्यूल एवरेज अच्छा आएगा, तो इस तरीके से आप फ्यूल सेव कर सकते हैं, अपने लिए सेव कर सकते हैं, देश के लिए सेव कर सकते हैं।